मैं हूं हैदर वहीद और मैं हूं मोइज जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वेलकम टू एजेंडा 360। पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी क्राइसिस, पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्राइसिस एंड टू कंपाउंड इट ऑल, सिंध के अंदर पानी, बारिश ज़्यादा हो गई तो इस सैलाब की सूरत हाल इख्तियार कर गई। उसने दूसरे साल लगातार, पिछले साल सैलाब ट्रैवल किया था नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पंजाब से, इस दफ़ा सिंध का अंदरूनी मसला पैदा हुआ और सिवियर हुआ और ज़्यादा तबाही फैली। 71 लाख लोग से ज़्यादा अफेक्टेड हैं। पंजाब के अंदर एक और वबा, डेंगी का बुखार, लाहौर के अंदर कई हज़ार लोग मुतासर हैं। हर दिन सात आठ लोग जान की बाजी हार जाते हैं। और इन सब इस पूरी चीज़ पे बात करने के लिए हमने आज एक थोड़ा पैक्ड शो बनाया है। शहजाद खान साहब हमारे नुमाइंदा हैं CNBC के, इंटीरियर सिंध का दौरा कर रहे हैं इस वक्त, नवाब शाह में हैं, उनसे हम वाजे करेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। फिर हम पंजाब की तरफ जाएंगे, पंजाब के अंदर हम अपने नुमाइंदे से बात करेंगे कि वहाँ पर डेंगी का क्या हाल है। और फिर जफर अली शाह साहब हमें ज्वाइन करेंगे, बैरिस्टर साहब, उनसे पूछेंगे कि पंजाब हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है। एक पॉइंट हैदर वहीद कह रहे हैं कि अजाब आ रहा है, तो इस मुल्क के गरीबों पे ही अजाब आना था। अगर अजाब आएगा तो यहाँ के अमीरों पे आएगा ना, क्वाइट मत, ये गरीब के ऊपर अगर आ रहा है तो अजाब आ रहा है। अमीर आदमी आए, अमीर के ऊपर अगर आता तो शायद हम उसको अजाब कह भी सकते नहीं, गरीब पे देखें, अगर अल्लाह की तरफ से अजाब आ रहा होता तो फिर अमीरों पर आ भी सकता था। लेकिन जब अजाब जो है स्टेटस को फोर्सेस की तरफ से आएगा और उनकी ना अहली की वजह से आएगा और उनका पिछले साल से सबक ना लेने की वजह से आएगा तो ज़ाहिर है गरीब आदमी पे आएगा। मेरा मौक़िफ़ सिर्फ यह था कि अगर मुफ्ती आने कराम से अगर मौक़िफ़ लेना था तो वो जब लेना चाहिए था जब अमीर आदमी किसी मुश्किल में फंसा हो। अगर गरीब फंसा हुआ है तो वो अमीर की गलतियों की वजह से ही फंसा हुआ है या फिर थर्ड आई थिंक आज के अखबार में मोइज एक कार्टून था जिसमें एक MPA साहब जो हैं वो पता नहीं सिगार पी रहे हैं या आराम से बैठे हुए हैं, कम से कम मुझे याद पड़ता है, और एक बेचारा गरीब डूब रहा है और वो उसको कह रहे हैं कि ये तुम्हारी जो है गुनाहों का नतीजा है कि तुम डूब रहे हो। दिस इज़ बिकॉज ऑफ योर सिंस। आई थिंक इट वाज एन इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर दैट कैरीड दिस कार्टून दिस मॉर्निंग। तो ये देखें, बहुत आसान है ये कहना कि ये सिचुएशन अब हुकूमत नहीं संभाल सकती और सबको करना है, ज़ाहिर है करना है। और इस वक्त जो है मैं कहता हूँ हुकूमत पर भी तनकीद जो है वो सिर्फ नहीं हो सकती, उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। इस वक्त तो हमें साथ होना है, लेकिन हमें ये टाइम भूलना नहीं है क्योंकि अगले साल हम इसी दोहराए पे फिर खड़े होंगे और पिछले 2 सालों का हमने क्या सबक लिया होगा वो आगे आने वाला वक्त बताएगा और उस पर हमें अकाउंटेबल होल्ड करना हमारा फ़र्ज़ है हुकूमत को कि उन्होंने आया कि इन सारी चीज़ों से क्या 2.5 महीने पहले से इनके अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं। मुझे बताया जाता है, मैंने खुद नहीं पढ़ा डॉक्यूमेंट, शेख रशीद अहमद साहब उसका जिक्र कर रहे थे कि उनको ये खुद उनकी असेसमेंट थी कि ये होगा। तो क्या उन्होंने कम से कम वो दिखाएं कि चलें, वो हर चीज़ नहीं कर सकते थे, 2.5 महीने में उन्होंने क्या किया, कम से कम ये इस पे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्री, पसमानदा इलाके, वहाँ पे अगर यू फैक्टर दीज थिंग्स, आई कंप्लीटली एग्री, यू हैव टू फैक्टर इन कि हम थर्ड वर्ल्ड हैं, हमारे वसाइल कम हैं, हम वॉर ऑन टेरर में उलझे हुए हैं, टैक्स हम देते नहीं हैं, टैक्स देते नहीं हैं, ये सारी चीज़ें फैक्टर इन करें। गवर्नेंस का टेस्ट लेकिन एटलीस्ट जो है इन चीज़ों को फैक्टर इन करते हुए इस चीज पे होना चाहिए। और फिर अगर ये चीजें अभी तक नहीं हो रही हैं तो वो भी तो मिस गवर्नेंस है। सिचुएशन जानने के लिए हमारे नुमाइंदे शहजाद खान साहब इस वक्त नवाब शाह में मौजूद हैं, वो वहां पहुंचे हैं उमरकोट के थ्रू, बदीन के थ्रू, उन्होंने काफी जो सूरत हाल देखी है उसका जायजा हम उनसे लेंगे। शहजाद खान, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी मोइज जी, बताइएगा क्या देखा हुकूमत की तरफ से, क्या देखा वहाँ के इलाकाई नुमाइंदों की तरफ से, आपने क्या देखा, अगर गफलत हुई या आप समझते हैं कि बेस्ट मैनेजेबल सिचुएशन जो थी वो हुई है? सुरदाल ये कि हमारे यहाँ हर एक चीज जो है वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की सिचुएशन स्टार्ट कर लेती है। ये सैलाब जो है इसको सबने एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया है। एनजीओ जो है वो अपनी दुकान चमका रही है, हुकूमत ये कह रही है कि हम रिलीफ फराम कर रहे हैं, आवाम ये कह रहे हैं कि हमें कुछ मिल ले रहा। यानी हुकूमत जितनी जगह भी हमारी बात हुई, उमरकोट के आसपास के इलाकों में जहाँ 6-6 फिट पानी खड़ा हुआ था, लोगों ने अपने जानवर तक वहां सड़ते हुए मरते हुए छोड़ दिए। हमने कई ऐसी लाशें देखी जानवरों की जिन्हें ठीक हुए नोच रहे थे। उसके बाद जब हम दूसरे इलाकों में आए, नवाबशाह वगैरह, यहाँ पर जिन लोगों को रिलीफ मिल रही थी उन्होंने भी कहा कि हमें सिर्फ चावल मिल रहा है। यानी उनको रिलीफ मिल रही थी, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिल रहा, और जिन्हें रिलीफ नहीं मिल रही थी वो तो ये कह रहे हैं कि हमें मिल ही नहीं रहा। तो एक बहुत कंफ्यूजन है। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स की जो बात है, तकरीबन 60 लाख अफराद मुतासर है। नवाबशाह में कहा जा रहा है कि 55,000 अफराद को रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया गया है, बाकी अफराद को रिलीफ प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन जिससे भी बात होती है, कल हमारे एक कैंप में बात हुई, वहाँ 20 दिन के बाद उन्होंने पीने का साफ पानी प्रोवाइड किया। यानी वो कैंप में बिठाया तो गया लेकिन उन्हें खारा पानी दिया गया पीने के लिए। यानी उन्होंने खुद पानी जहाज से जाके लिया, वहाँ खारा पानी आ रहा था जिसकी वजह से उनके अपने बच्चे बीमार हो गए। रिलीफ कैंप में हम जब मेडिकल कैंप जहाँ लगा हुआ था हम उस तरफ गए,
जब हमने वहाँ की सिचुएशन देखी तो वहाँ जी सुबह 10 बजे डॉक्टर साहब आते हैं जो शाम के 4 बजे उठ के चले जाते हैं। फसलों का क्या सूरत हाल है, पानी का इन जनरल क्या सूरत हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है? इंफ्रास्ट्रक्चर का यह हाल है कि लाखों एकड़ पर कपास की, जिसको व्हाइट गोल्ड कहते हैं, और सांगड़ जिला जो कि व्हाइट गोल्ड यानी हीरोइन तो नहीं यानी कपास के लिए जो सबसे ज्यादा मशहूर है, वहाँ तकरीबन 120 जिनिंग फैक्ट्रीज हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जिनिंग फैक्ट्रीज सांगड़ में है। उन सब का कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। पिछले साल नुकसान जो बारिश से हुआ था वो था 90 अरब रुपए का, और इस साल पिछले साल का नुकसान मिला के तकरीबन 150 अरब रुपए का नुकसान हुआ है काश्तकारों का, और लाखों एकड़ पर कपास तबाह हुई है। केले की फसल जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है और यहाँ मुल्क में भी इस्तेमाल होता है, वो पूरी तरह से बहुत वास्ट एरिया है, वहाँ पे बहुत कम फसलें जाएं बची भी नजर आई हैं, सारी फसलें तबाह हो गई। शहजाद ये बताइए कि एज फार एज द गवर्नेंस इज कंसर्न्ड, एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न्ड, एंड जो एक गवर्नमेंट के लेवल पे फलाही काम है जो इस वक्त, उसमें कोई आपको कमी पेशी नजर आ रही है? डैमेज कंट्रोल क्या इससे बेहतर हो सकता था? डैमेज कंट्रोल इससे बहुत बेहतर हो सकता था। हमने जो सूरत हाल देखी है बड़े शहरों की, यानी हम सांगड़ जो है वो जिला एक बड़ा शहर है जहाँ तकरीबन 24 लाख 25 लाख की आबादी है। नवाबशाह सिटी की हम बात करें तो वहाँ तकरीबन 12-13 लाख की आबादी है। तो ये बड़े शहर हैं और यहाँ पर शहर के अंदर बैठे हुए लोग जो हैं वो रो रहे हैं। एक आबादी में मैं गया, शहर के एंट्रेंस पे कायदे आवाम यूनिवर्सिटी, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है नवाबशाह की, उसके सामने इतना है कि गाड़ियाँ डूब के जा रही हैं उसमें से। नहीं शहजाद वो सब ठीक है और वो सारे मनाजर हम भी बदकिस्मती से देख रहे हैं और ये जाहिर है सब कुछ हुआ है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये बताइए कि ये जो आप कह रहे हैं गाड़ियां डूबी हुई हैं और लोगों को खारा पानी मिल रहा है, तो यहाँ वो कौन सी चीज़ें हैं जो हुकूमत कर सकती थी? यानी खारा पानी की जगह पीने का पानी प्रोवाइड करना कोई इतना भी बड़ा मसला नहीं है, ये भी हुकूमत कर सकती थी। और ये कौन सी चीज़ें जहाँ आप मुझे पिन पॉइंट स्पेसिफिकली करें कि ये चीज़ हुकूमत कर सकती थी उसने नहीं किया? देखिए सबसे अहम चीज ये है कि लोगों को खाना और पानी और दवाएं, ये तीन इंपॉर्टेंट तरीन चीजें हैं, क्योंकि लोग जो मूव करके आए वो जाहिर है वो खुद भी आए बहुत सारी जगहों से और बहुत सी जगह से आर्मी ने रेस्क्यू किया, तो रेस्क्यू वाली बात जो है वो तो किसी हद तक सही नजर आई। लेकिन जो पानी की जो सूरत हाल थी और खाने की जो खाने के लिए सिर्फ उबले हुए चावल दिए गए, चले हम उसको मान लेते हैं कि इमरजेंसी की सूरत हाल में दिए गए, लेकिन पानी की जो है जहाँ सरकारी इमारतों में लोगों को रिलीफ कैंप में मुंतकिल किया गया था, वहाँ जाहिर है हर सरकारी इमारत में एक पानी की टंकी तो होगी, तो उसको पानी की टंकी को अगर भरना उनके लिए कोई बड़ा मसला। अच्छा, बहुत सी जगहों पर हमने रिलीफ कैंपों में देखा कि कम से कम 600-800 कंबल खेमे वगैरह ला के दिए गए और ताला लगा दिया गया उनको, उनको कहा गया कि ये जी ये राशन है आपको बार बार में मिलेगा, और वो रातों रात जो है वो ट्रक निकलते हैं और चले जाते हैं, वो बेचारे रोते रहते हैं कि हमें कुछ मिले। बदनवानी की क्या सूरत है शहजाद खान? खबरें आ रही हैं कि बदीन के DCO को 20 करोड़ रुपए का अगर फंड दिया तो उन्होंने फरमाया कि ये सारा मैंने अभी खिला दिया है बदीन के लोगों को, इसकी कोई सदाकत है इस बात में? बदनवानी अगर हम लोग सही टाइमिंग चूज करके हम करप्ट हो जाते हैं, पंजाब के अंदर डेंगू का टेस्ट जो 90 रुपए का होता था वो आजकल 800 रुपए का हो रहा था 2-3 दिन पहले तक, इसी तरह सिंध के अंदर ये बातें सामने आ रही हैं, आप इसके अंदर कोई सदाकत है? मुझे सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि जितने के भी फंड इशू हो रहे हैं उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो नोबडी कैन प्रूव कि उन्होंने जो 20 करोड़ रुपए अब जाहिर है वो कह रहे हैं हमने खाना खिला दिया, अब खाने का तो कोई सबूत होगा नहीं, तो ये एक सबसे बड़ी चीज है जिसका कोई सबूत नहीं है। सांगड़ जैसे डिस्ट्रिक्ट में 23 लाख अफराद के लिए 2 करोड़ रुपए के फंड इशू किए गए, जो कि फी आदमी 8 रुपए बनता है, तो वो 8 रुपए फी आदमी का फंड तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता, वो अगर उसको मिल भी गया होता तो किसी काम का नहीं होता, या फिर उसको कोई मतलब साबित नहीं कर सकता था। 20 करोड़ रुपए अगर बदीन के लिए आए हैं तो भी वो शायद कुछ नहीं हो, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज की ट्रांसपेरेंसी वो है ही नहीं। तो शहजाद साहब ये आप बताइए कि अब जिस तरह से अब बारिशें जो हैं वो थोड़ी कम हो गई हैं, तो क्या बेहतरी की तरफ बात जा रही है, और उस बेहतरी में हुकूमत का कितना रोल है और फलाही इदारे जो हैं उनका कितना रोल है बेहतरी की तरफ बात ले जाने के लिए? देखिए फलाही इदारों का जो रोल हमने देखा है हुकूमत के ऊपर तो हम सब तनकीद कर रहे हैं, फलाही इदारों का जो रोल हमने देखा है ना वो कोई खास हमें बहुत एक्टिव नजर नहीं आया। यहाँ नवाबशाह सिटी की मैं बात बताता हूँ जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ ये हालत थी कि एक यूसी, सिर्फ एक यूसी जो है एक फलाही तंजीम को दिया गया और उनसे वही कंट्रोल नहीं हो रहा। हुकूमत का काम था पानी निकालना और लोगों को जो है रिलीफ फराहम करना, उन्होंने उठा के उनको जगह तो दे दी, खाना पीना नहीं दिया। अच्छा साथ साथ जो अभी आपने बात की कि यानी मौसम का क्या है, मौसम अभी अलग शुक्र है धूप निकली है, लेकिन धूप से हो ही रहा है कि जब ये जहाँ मेरे जो टेक्निकल लोगों से बात की उनका ये कहना था
कि ये जो फसलें जो बची हुई हैं ये भी तबाह हो जाएंगी धूप और पानी से मिलके, और जो वो इमारतें जो कि पानी में डूबी हुए हैं वो जब धूप निकलेगी तो वो उनकी मजीद इमारतें गिर जाएंगी। शहजाद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया और जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे हमें आगाह किया। एक ब्रेक के बाद इस वक्त एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ हुकूमत का भी मौकफ जान सकें।